कोई तो हल निकालना है ना इस बात का। अच्छा देखो, मुनीब भाई की अम्मी की जो भी शरायत है, क्या पता मुनीब भाई की सोच उससे मुख्तलिफ हो। बात करने में कोई हर्ज नहीं है। तुम नहीं जानती उनकी अम्मी को, वो अपनी जिद की खातिर कभी किसी की नहीं चलने देंगी। अगर नहीं चलने देती तो मुनीब भाई अपनी अम्मी की मर्जी के खिलाफ तुमसे रिश्ता क्यों जोड़ते। देखो, उन्होंने इस बात पे भी उनको राजी किया ना, तो अगली सारी बातों पे भी राजी कर लेंगे। को देखो यार, तुम्हारी जिंदगी का कितना खूबसूरत वक्त है ये। तुम ऐसे परेशान रहती हो, डिस्टर्ब रहती हो, नहीं देख सकती मैं तुम्हें ऐसे। खुश देखना चाहती हूँ मैं तुम्हें, माँ को, बाबा को। फिर उठाई उन्होंने तुम्हारी कॉल, हो गई बात तुम्हारी उनसे? नंबर बन जा रहा है। बन जा रहा है? नंबर बन नहीं जा रहा, नंबर बंद किया गया। खुदाया, इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? मैं तुम्हारी तरह तो पॉजिटिव हो नहीं सकती, पर अम्मी बाबा की खुशी के खातिर मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गोली नहीं मार सकती। तुम्हारी जैसी बनने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अब फरियाद, मसलों का हल निकाला जाता है, मुझे कोशिश करने दो। वो नहीं उठाएंगे तुम्हारी कॉल। छोड़ दो फोन को अनाया। माइंड कुछ दिनों से काफी चेंज लग रहा है। जब भी बात करने की कोशिश करती हूँ, मुस्कुराकर टाल देती। आखिर ये क्या मामला है जिसने मेरे बेटे को इतना उलझा दिया है? इस राज की खोज तो लगानी पड़ेगी। मॉम, आप सो तो नहीं रही ना? नहीं, कहो। आई नो मॉम, मुझे माइंड को लेकर आपकी मसरूफियात कभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रही, लेकिन डोंट यू थिंक आप कुछ इग्नोर कर रही हैं? क्या? मैं समझी नहीं। मॉम, मैं आमिर के बारे में बात कर रही हूँ। जब से उसका एक्सीडेंट हुआ, आपने एक बार भी उसकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। उसको कितना बुरा लग रहा होगा। आफ्टर ऑल, ही इज योर फ्यूचर सन इन लॉ। तुम कितना मेरी तरह सोचने लगी हो। आप ही की बेटी हूँ, आप ही की तरह सोचूंगी ना। ओके माय डार्लिंग, पॉइंट टेकन। अब आराम से जाके सो जाओ। थैंक्स मॉम, गुड नाइट।